शाहनवाज भुट्टो की बेटी तवील मुद्दत बाद मंजरआम पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे शाहनवाज भुट्टो की इकलौती बेटी सस्सी भुट्टो तवील मुद्दत बाद मंजर आम पर आ गई। सस्सी भुट्टो फातिमा भुट्टो की चचाजाद और खालाजाद बहन हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों बेटों मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो ने जलावतनी के दौरान दो अफगान बहनों फौजिया और रेहाना से शादियां की थी। मुर्तजा भुट्टो ने अपनी बीवी फौजिया को शाहनवाज की फ्रांस में मशकूक हलाकत के बाद तलाक दे दी थी, मगर अपनी बेटी फातिमा को अपने साथ रखा और गनो भुट्टो से दूसरी शादी कर ली थी। साल 2008 में सस्सी पहली बार अमेरिका से पाकिस्तान पहुंची थी और उसके बाद से मंजर से गायब थी, लेकिन अब वो समाजी राबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर काफी फ़ाल हैं और अपनी वालिदा और वालिद से मुतालिक मुख्तलिफ पोस्टस कर चुकी हैं। सस्सी भुट्टो ने अपनी हालिया पोस्ट में वालिद के साथ चंद यादगार तस्वीर शेयर की और तवील पोस्ट भी तहरीर की। सस्सी भुट्टो ने लिखा कि अपने वालिद के बेजान जिस्म को देखना एक नाकाबिल तसव्वुर तकलीफ दे तजर्बा था, जिसने मेरे दिमाग पर बरसों तक खौफनाक फ्लैशबैक्स छोड़े। 3 साल की उम्र में मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि वो बेदार हों और मुझे गिले लगाएं, लेकिन ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं हो सका। उन्होंने अपनी इस तवील पोस्ट में लिखा कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े नुकसान समझने और उससे निमटने के लिए जिदोजहद की। इस्तिराब और बेचैनी मेरे वजूद का एक लाजमी हिस्सा बन गया। ये मेरी शनाख्त और शख्सियत के साथ घुल मिल गया और मेरे किसी भी आज़ा यानी भूरे बाल, मेरी दाएं हाथ से लिखने की आदत और मेरी मुसलसल परेशानी मेरे वजूद को बाकायदा हिस्सा बन गई थी। उन्होंने बचपन के एक वाकये का भी तज़किरा किया, जिसमें उन्होंने खुद से ये सवाल किया कि क्या दुनिया में कोई जगह महफूज भी है। वो लिखती हैं कि इस बड़े सानिहे के बाद मैं अपने खानदान के साथ एक जोशो खुरूश लेकिन परेशान हाल एक घर गई। मेरी बीबी, मेरी दादी मुझे सालाने के लिए एक कमरे में ले गईं। मेरे पास उन दोनों की मौजूदगी में भी खौफ ने डेरे डाल रखे थे। इसी असना में मैंने खुद हिफाजत की यकीन दहानी के लिए हर खिड़की का बगौर जायजा लिया और खुद से सवाल किया कि क्या ये महफूज है। सस्सी का बताना है कि ये वाकया सुनाते हुए मेरी दादी की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहती थीं कि किसी बच्चे को ऐसा बोझ नहीं उठाना चाहिए। दादी के अलावा उन्होंने इस पोस्ट में अपनी बीबी का भी तारुफ करवाया। सस्सी भुट्टो के मुताबिक बीबी वो थी जिससे मैं अपनी वालिदा और वालिद की गैर मौजूदगी में चिमटी रहती थी। खौफ व इस्तिराब के आलम में मैंने इसकी लंबी स्कर्टिस को पकड़ लिया था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक और प्यारे शख्स को खोने से डरती थी। सस्सी भुट्टो के मुताबिक बचपन में अपने वालिद की गुमशुदगी का मुशाहिदा करने का असर उनके पूरे वजूद में सरायत करता रहा, जिससे वो शदीद इस्तिराब और तहफ्फुज़ की शदीद कमी के एहसास में मुब्तला रहे।
सस्सी भुट्टो का कहना है कि ये एक तकलीफ दे याद दहानी है कि किसी भी बच्चे को इस तरह की अजियत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।